हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स. वेलकम टू आर इंग्लिश क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेट्स हैव सम डिस्कशन अबाउट अब्स्ट्रैक्ट नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम to see the definition of abstract noun. Abstract nouns are words that name ideas, feelings, experiences, qualities and concepts. Abstract noun क्या होते हैं बेटा? Abstract का मतलब है feel करना. जो चीज़ें हम feel कर सकते हैं, जिनको हम touch नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो उनको देख सकते हैं ना तो उनको टच कर सकते हैं. जैसे आइडियाज़ होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी भी काम के, किसी बात के, क्वालिटीज़ होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ये चीज़ें क्या है बेटे? इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. दैट आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू क्वालिटीज़, एक्शंस, स्टेट ऑफ बींग. स्टेट ऑफ बींग का मतलब क्या है? मतलब किसी चीज़ का होना, किसी स्थिति में होना किसी पर्सन का. वी हैव सम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन. आर वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ काइंडनेस. काइंडनेस इज़ अ क्वालिटी. दया करना किसी पे, दैट इज़ अ क्वालिटी. इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ लाफ्टर. लाफ्टर एक एक्शन है बेटा, हंसना. ठीक है, ये क्या है? एक एक्शन है, इसको हम छुआ नहीं जा सकता. हैप्पीनेस. हैप्पीनेस क्या है? एक फीलिंग है, खुशी जो हमें अंदर से महसूस होती है, जिसको हम से फील करते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ आइडिया. आइडिया मीन्स थॉट. कोई भी आइडियाज़ आते हैं हमारे माइंड में, उनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील ही कर सकते हैं. वी कांट टच देम एंड वी कांट सी देम. ओके बेटे, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. तो इसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन. मैंने आपको एक्सरसाइजेज सेंड कर दी हैं बेटा, तो उन एक्सरसाइजेज को आप लोग करना, और उसके आंसर्स भी उसके साथ हैं, उनको आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो. बिकॉज दैट इज़ अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, नॉट फ्रॉम बुक. बुक की एक्सरसाइज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.